आइडेंटिफाई ए बी सी डी एंड ई इन द गिवन फिगर तो यहाँ पर हमें एक इमेज नजर आ रही है ये जो इमेज नज़र आ रही है ये सीड जर्मिनेशन की इमेज है और ये क्या इमेज है ये जो इमेज है दैट इज ऑफ एपीजियल जर्मिनेशन एपीजियल जर्मिनेशन वो कंडीशन होती है जिसमें हाइपोकोटाइल बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाता है तो जो कॉटिलिडन है वो लीव सर्फिस से बाहर आ जाता है कॉटिलिडन लीफ नहीं सॉइल सरफेस से बाहर आ जाता है तो इस टाइप की कंडीशन को क्या बोला जाता है एपीजीएल जर्मिनेशन जैसे कि बीन्स में देखा जाता है एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा बीन्स तो इसमें हो क्या रहा है कि जो हाइपोकोटाइल है वो ग्रो करता जा रहा है उस वजह से कॉटेलिडन बाहर शिफ्ट हो गया है सॉइल सरफेस के बाहर आ गया है एंड इसी टाइप के जर्मिनेशन को क्या बोलते हैं एपीजीएल जर्मिनेशन तो अगर हम यहाँ पर लेबलिंग को देखें तो लेबलिंग में सबसे पहला अगर हम ए की बात करें तो दिस इज ए ये क्या है सीड कोड ए क्या है सीड कोड है तो ए इज सीड कोड इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें बी बी क्या है ये यानी सॉइल लेवल है तो so बी हो जाएगा सॉइल सरफेस और सॉइल लेवल देन इसके बाद अगर हम बात करें सॉइल लेवल या ऑप्शन अगर हम देखें तो सॉइल लाइन गिवन है तो सॉइल लाइन देन इसके बाद सी की बात करें तो सी क्या है कॉटिलिडन सीड लीव्स भी बोला जाता है जो फूड स्टोर करती है तो सी हो जाएगा देन इसके बाद डी की अगर हम बात करें तो डी ये रहा दिस इज एपिकोटाइल हुक जो डी है वो ऐसा ये वाला स्ट्रक्चर है सो दिस स्ट्रक्चर इज एपिकोटाइल हुक तो डी क्या हो जाएगा एपिकोटाइल हुक देन नेक्स्ट इसके बाद अगर हम देखें ई e. E क्या है डेफिनेटली हाइपोकोटाइल रीजन है तो दिस इज ई और ई e है हाइपोकोटाइल हाइपोकोटाइल तो अगर हम यहाँ पर ऑप्शन को चेक कर लें क्या क्या ऑप्शन हैं तो ऑप्शन ए इज सीड कोट यहाँ पर एपिकोटाइल कोटाइल हो गिवन है तो ये गलत हो गया सॉइल लाइन नहीं है सीड कोट हाँ बिल्कुल सही है तो ये ए ऑप्शन से बहुत इजीली और जल्दी सॉल्व हो जाएगा तो ए हो गया सीड कोट देन बी हो गया सॉइल लाइन सी हो गया कॉटिलिडन डी हो गया एपिकोटाइल हुक वो रहा ऊपर एंड ई हो गया हाइपोकोटाइल तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी